गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज रियल हेयर हाउस। जैसा कि आपने पुरानी वीडियोस में हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने सारे पैचेस को बताया था कि कौन कौन से पैच क्या क्या उसमें क्वालिटी होती है और उसमें क्या क्या डिफरेंशिएट होता है। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है मोनोफिलामेंट पैच पे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे भी लगा दूंगा, आप प्लीज क्लिक करके जाके देखिए। उसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग पैचेस के बारे में हमने बताया हुआ है कि कौन से क्वालिटी, कौन से पैचेस किस तरीके से आपके स्कैल्प पे लगेंगे और कैसा वो आपको रिजल्ट देंगे, वो सारी चीजें बताएंगे। तो आज की वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं मोनोफिलामेंट पैच क्या होता है। देखिए सर, मोनोफिलामेंट ये बॉर्डर पैच को कहते हैं जिसमें पूरे साइड बॉर्डर होगा, बीच में एक ट्रांसपेरेंट नेटेड होगा, नेटेड बेस है जिसमें से हवा पानी क्रॉस हो सकता है और उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं। बेसिकली मोनोफिलामेंट पैच बॉर्डर पैच को कहते हैं। बॉर्डर पैच में भी इसमें काफी सारी क्वालिटी आती है। आपको क्या चेक करना है, कभी भी आप लेते हैं अगर हेयर पैच तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसका वेट ज्यादा ना हो। दूसरा, इसके बाल जो है इसमें जो नॉटिंग की जाती है वो सिंगल नॉटिंग भी की जाती है, डबल नॉटिंग भी की जाती है। तो वॉल्यूम आपको चेक करना है, आपको अपने हिसाब से कितना वॉल्यूम चाहिए। किसी को हैवी बाल चाहिए होते हैं, किसी को लाइट हेयर चाहिए होते हैं, तो वो आपको क्वालिटी इसमें चेक करनी है। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं, आपने देख लिया है कि मोनोफिलामेंट पैच क्या होता है। बॉर्डर पैच को मोनोफिलामेंट कहते हैं, मैं आपको रिवाइज भी करवाता जाऊंगा, बॉर्डर पैच को मोनोफिलामेंट कहते हैं। लेकिन अब मोनोफिलामेंट में कौन कौन से ब्रांड आते हैं जो यूट्यूब पे भी बहुत फेमस है, आप अगर रिप्लेसमेंट सेंटर्स पे भी जाते हैं वहां भी आपको ये ब्रांड सुनने को मिलते हैं। लेकिन ब्रांड पे कभी मत जाइए, आप क्वालिटी पे जाइए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कि वो आपको लगाने में कंफर्टेबल है या नहीं है, आपको आफ्टर यूज उसका कितना अच्छा मिल रहा है और आफ्टर सर्विसेज कितनी अच्छी मिल रही है। तो चलिए इस बात पे बात करते हैं। दोस्तों देखिए हमारे सामने कितने सारे पैच रखे हुए हैं, अब आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। ये सारे मोनोफिलामेंट है, कोई भी इसमें कोई फ्रंटलेस नहीं है, कोई इसमें कोई मिराज नहीं है। मिराज भी एक तरीके का मोनोफिलामेंट होता है लेकिन वो इस सेगमेंट में नहीं है, उसका एक अलग ही सेगमेंट है, उस पर भी हम आपको एक डिटेल वीडियो बना के देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मॉडल वन का पैच है। मॉडल के पैच आपने सुना भी होगा, मॉडल है सर, मोनोफिलामेंट में एक बेस्ट क्वालिटी आती है, मॉडल का है सर, ये एक ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम पे कभी मत जाइए, आप इसका बेस चेक करिए। इसका बेस एक बहुत अच्छा बेस है, अगर देखा जाए बहुत लाइट बेस है। आगे से भी अगर चेक करें, ये देखिए फ्रंट लाइन भी इसकी एक अच्छी है लेकिन थोड़ा सा थिक है। तो आपको लगाने में जो आपको कंफर्ट लगे आप वो लगाइए। ये पैच भी अच्छा है, मेरे लिए मेरा सब प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं आपको कोई बुराई नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरा काम ये है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना कि आप अच्छा बुरा अपने बारे में सोच सकते हैं, तो वही अच्छा बुरा सोच के आप ये पैच सेलेक्ट करिए कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट है। उसके बाद मॉडल मैंने आपको दिखाया, ये हेयर सिटी का पैच आता है। हेयर सिटी का पैच आपने ये ब्रांड भी काफी सुना होगा, अगर आप पैच यूजर है, अगर आप हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर्स पे जाते हैं तो आपने ब्रांड का नेम बहुत सुना होगा कि हेयर सिटी। हेयर सिटी एक बहुत अच्छा पैच है सर। इसके बाल अगर देखे जाए बहुत पतले हैं, फाइन बाल है, अगर आप हाथ भी डालें तो वो हाथों से ही सेट हो जाते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा पैच है, आपको लगाने में भी ठीक लगेगा और मोनोफिलामेंट ही बेस है। आप जितना ये बेस देख रहे हैं, जितने भी राउंडेड पैच है, बॉर्डर पैच है, ये मोनोफिलामेंट ही कहते हैं। आप इसका बीच का नेट भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक लाइट नेट है कि हवा पानी एक अच्छे से क्रॉस हो जाए। ये पैच की खूबी ये है, आप इसमें हेयर स्टाइल कोई भी कर सकते हैं, दूसरा आप फुल बैक कर सकते हैं। इसके पतला टेक्सचर का बाल होता है, थिन हेयर होता है, तो आप इसको स्टाइलिंग जैसे चाहे, रिजिड नहीं रहेगा, ये स्टाइलिंग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं और एक नेचुरल फील देता है। जैसे हवा चलेगी तो ये बाल उड़ेंगे भी, अगर आप पानी में जाएंगे नीचे आएंगे आप वापस भी कर सकते हैं। तो इसके बाल एक बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपके नीचे वाले बाल पतले हैं, टेक्सचर उसका पतला है, तो आप हेयर सिटी में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ आप ब्रांड पे मत जाइए, आप उस पैच की क्वालिटी चेक करिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो आप वो लगाइए। नेक्स्ट जो इसमें ब्रांड है OME का ब्रांड है, OME भी आपने काफी सुना होगा। जितने भी मैं ये ब्रांड बता रहा हूँ एक पॉपुलर ब्रांड है जो मार्केट में आपको रेगुलर सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। अगर लोकल वेंडर्स हैं आपको ये दिखाएंगे भी पैच, कोई आपको इन्हीं पैचेस के 20 से 25,000 रुपए कॉस्ट करेगा, कोई आपको इन्हीं पैचेस के 4-5,000 कॉस्ट करेगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप मार्केट में इसमें आपका फ्रॉड सेंस भी बहुत है,
आपको डिफॉल्टर्स भी बहुत मिलते हैं, आपको फ्रॉड भी बहुत मिलते हैं इस मार्केट में, तो आपको एक चीज चेक करनी है, जो आप बैच लगा रहे हैं उसके बाल चेक कर लें, क्योंकि ब्रांड नेम ये चिप कोई भी लगा सकता है, कोई भी किसी बैच में लगा सकता है, लेकिन अगर उसका टेक्सचर, बालों का टेक्सचर अच्छा होगा, अगर उसके नीचे का बेस सॉफ्ट होगा, तो आप कंज्यूम करिए। और ये नहीं है सर कि ये मुझे 5,000 का दे रहा है और वहाँ मुझे 20,000 का मिल रहा है, नहीं, आप क्वालिटी में डेफिनेटली फर्क होता है उसमें, क्वालिटी में डेफिनेटली आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा, और जो सर्विस देते हैं वो लोग, जो 20,000 रुपये आपसे चार्ज कर रहे हैं, वो आपको कैसा सर्विस एनवायरमेंट दे रहे हैं, और जो आपसे 2,000-3,000-5,000 चार्ज कर रहे हैं, वो आपको कैसा सर्विस एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। दोस्तों ये सारी नॉलेज थी मोनोफिलामेंट मतलब बॉर्डर पैच के बारे में। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशन अपने काम की लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनको ये हेयर लॉस की या गंजेपन की प्रॉब्लम है उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्या पता मैं उनके कुछ काम आ जाऊं। और दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो में मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। अभी जैसे इस वीडियो में हम आपको बताया कि हेयर पैच मोनोफिलामेंट का हमने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्रंटलेस पैच का डिस्क्रिप्शन देंगे, तो वेट फॉर अस।